शाही पनीर। शाही पनीर की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। शाही पनीर की ग्रेवी हम कैसे बनाएंगे, इसे कितना भूनना है, किस तरह से बनाना है, इस रेसिपी को आप ज़रूर देखें। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, पर जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ मेरी थोड़ी सी यूनिक तरह से बनाती हूँ, और इस तरह से बनाती हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो 100% औसम आए। और पनीर की जो सारी सब्ज़ियाँ हैं उसमें सिर्फ प्याज टमाटर का रेशो ही थोड़ा सा अलग होता है, और उनका कलर और भुनने पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो इस सब्ज़ी का जो रेशो रखा है मैंने, 3 प्याज और 6 टमाटर मैंने लिए। इसे हमने थोड़ा सा रफली चॉप करना है, तो रेशो आपको इसी तरह से लेना है। अगर 2 प्याज लेते हैं तो 4 टमाटो लीजिए, तो प्रॉपर आपकी ग्रेवी रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। और किस तरह से इसे बनाना है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट के थोड़ा सा पहले कुछ मैंने ग्रेवी का कुछ स्पेशल चीज़ दिखाई है, उसे आपको देखना ज़रूरी है। तो सेम आपकी रेसिपी ऐसी बनेगी। तो रफली यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर को जो चॉप कर लिया है, मेरे कुछ और पनीर की रेसिपीज़ भी आप चाहें तो देख सकते हैं, कढ़ाई पनीर वगैरह, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले हमें गैस को ऑन कर लेना है। एक कढ़ाई या पैन रखें, 1 टेबल स्पून करीब इसमें मैंने बटर का लिया है। तो प्याज टमाटर का रेशो तो मैंने आपको बता दिया, लहसुन की कली मैंने 8 ली है, थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च का मैंने क्रश करके पेस्ट बनाया है। 1 टेबल स्पून बटर के साथ मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि बटर जो है वो जले नहीं। 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 2 इलायची छोटी वाली हम इसमें डालेंगे। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम रखा हुआ है, थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसालों की जो खुशबू है वो अच्छे से आ जाए। इसके बाद हमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को जो मैंने रफली क्रश किया है वो डाल दिया है, क्योंकि फाइनली हमें ग्रेवी को प्यूरी बना लेना है। तो अभी हमने थोड़ा सा चीज़ें जो है वो रफली चॉप की हैं। कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसमें प्याज भी डालेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च मैंने पहले इसलिए डाली ताकि इसका जो फ्लेवर वो कच्चा नहीं आए सब्ज़ी में, हल्का सा भुना रहेगा तो स्वाद ज़्यादा बेटर आता है। प्याज को भी हमें करीब 1 से 1.5 मिनट ही भुनना है। इसका कलर वगैरह चेंज हमें नहीं करना है, बस इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा निकल जाए। काजू को हम इसी वक्त डालेंगे ताकि काजू जो हमें थोड़े से रोस्ट हो जाए, रोस्ट किए हुए काजू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। प्याज के साथ इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे और टमाटो को हम बाद में ऐड करेंगे। तो करीब कुछ सेकंड्स के बाद ही हम इसमें अब टमाटर भी डाल देते हैं। 6 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे, 3 मीडियम साइज़ के प्याज। टमाटर को डाल के सारी चीज़ों को एक प्रॉपरली हम मिक्स देंगे। दोस्तों अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो पूरे रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप करके मत देखें, पूरा देखें। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी, आप मुझे खुद ही कमेंट करके बताएंगे कि बहुत अच्छी बनी थी। मिला लेने के बाद अब इसमें मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला है। पानी डाल के हमें सारी सब्जियों को, सॉरी प्याज और टमाटर को बहुत अच्छे से सॉफ्ट करना है। पूरी तरह से जब हमारे टमाटर गल जाएं तब तक हमें इसे सॉफ्ट करना है। 15 मिनट करीब इसे ढकेंगे। तब तक मैंने इस तरह से चौकोर टुकड़ों में पनीर भी काट लिया है। 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने दही ली है। 5 टेबल स्पून मेरी क्रीम है। घर की मलाई में ही मैंने हल्का सा दूध डाल के इसे थोड़ा सा फेंट के क्रीम बना ली है। आप बाहर की भी यूज़ कर सकते हैं। दही में हम थोड़ा सा धनिया और हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे जो दही है वो फटेगा भी नहीं और दही की वजह से जो कलर है ग्रेवी का वो भी लाइट नहीं होगा। लाल मिर्च अभी मैंने ऐड नहीं किया दही में। 15 मिनट करीब हो चुके हैं, गैस को खोला है मैंने, ढक्कन को खोला है मैंने, तो टमाटर अच्छे से मशी हो गए हैं, ठंडा कर लेना है। गर्म मसाले यहाँ पर मैं जो खड़े गर्म मसाले हैं उसे हम निकाल लेते हैं ताकि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं आए। इस तरह से हमें प्यूरी बना लेना है, ठंडी करने के बाद ही इसे पीसें। इसके बाद बेटर रिजल्ट के लिए, स्मूथ और सिल्की ग्रेवी के लिए इसे हमें छान लेना है। तो इस तरह से विस्कर से आप छानें तो प्रॉपर ग्रेवी आपकी छन जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी तरह से टमाटर और प्याज जो है वो अलग हो चुके हैं, तो इन्हें हमें डिस्कार्ड कर देना है, ये हम नहीं डालेंगे, इसे हम निकाल देंगे। इसी वजह से इसे हमने छाना है ताकि हमें सिल्की सी प्यूरी मिले। तो बस नीचे से भी हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। इस तरह से हमारी शाही पनीर की प्यूरी रेडी हो गई है। अभी ये रेडी नहीं हुई है, इसे एक स्टेज पर अभी हमें लाना है। कढ़ाई को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है।
और शाही पनीर है तो सारी शाही चीज़ें इसमें गई है, जैसे काजू वगैरह भी डाले हैं। आप चाहे तो मावा का यूज़ भी कर सकते हैं, पर हर वक्त मावा घर पे अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। 3 टेबल स्पून करीब मैंने देसी घी इसमें डाला है, 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर इसमें डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर फिर से मैंने डाला है, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने डाला है। बिल्कुल सिम करके इसे भूनना है, इससे ग्रेवी का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए हमने मिर्ची दही में ऐड नहीं किया था। अभी हम जो प्यूरी बनाई है वो भी इसमें डालेंगे। तो बस अभी खास ध्यान हमें ये रखना है कि इस प्यूरी के जो हमें प्रॉपर भूनना है, पर अभी हम इसे नहीं भूनेंगे, पहले हम इसमें दही मिला रहे हैं, गैस का फ्लेम लो करके मिला रहे हैं ताकि दही फटे नहीं। वैसे तो इसमें हमने धनिया हल्दी डाली है तो ये नहीं फटेगा, और नमक भी हमने ग्रेवी में ऐड नहीं किया है अभी, फिर भी हम इसे लो फ्लेम पर थोड़ा सा चला देंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून करीब क्रीम ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम गार्निश करने के लिए बचा सकते हैं। 4 टेबल स्पून करीब इसमें मैंने घर की मलाई में दूध मिला के जो क्रीम रेडी किया था वो डाल दिया है। एक बार इसे थोड़ा सा चला देंगे हम। अभी हमें ग्रेवी को बिल्कुल नहीं भूनना है, बल्कि इसे ढक के हमें पकाना है, तो 7 से 8 मिनट करीब लग जाएंगे। तो बीच में एक बार मैंने इसे चला दिया तो प्रॉपर इसने घी जो है वो छोड़ दिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसके बाद हमें एक और स्टेज आके जाना है, तो आप ज़रूर देखें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है, 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी भी डाली है, थोड़ा सा कसूरी मेथी को रोस्ट करके मैंने इसका पाउडर बना लिया है, तो वो भी हमने डाल दी है। तो एक बार ये सारी चीज़ों को हम मिला देंगे, और इसके बाद ही कुछ खास स्टेप आने वाले हैं दोस्तों। अभी जो हमें है गैस का फ्लेम फुल करना है, उसका एक रीज़न ये है कि ये अच्छी तरह से भुन तो जाएगी, पर फुल फ्लेम पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपका फ्लेवर आएगा शाही पनीर का। फुल फ्लेम पर ही इसे भुनना है, ये आप ध्यान रखें। सॉल्ट डालेंगे हम स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून मैं इसमें चीनी भी डाल रही हूँ, हल्का सा मीठा स्वाद होता है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, वरना स्वाद बहुत अच्छा आता है चीनी से। तो बस अभी हमें इसे लगातार चलाते जाना है फुल फ्लेम पर। इसी स्टेज पर लाके ही सब लोग पनीर ऐड करते हैं, पर नहीं, अभी इसे हमें फुल फ्लेम पर भूनना है रेस्टोरेंट स्टाइल के फ्लेवर के लिए। रेस्टोरेंट में बहुत ही फुल फ्लेम पे इसे बनाया जाता है, तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो इसमें आएगा। फुल फ्लेम पे हम इसे चलाते जाएंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। आप थोड़ी देर में ही डिफरेंस देखेंगे कलर का भी और फ्लेवर का भी, काफ़ी रिड्यूस हो गई है ग्रेवी हमारी। इसी स्टेज पर अभी हम पनीर के क्यूब्स भी डालेंगे, हल्के हाथ से अब हम इसे मिलाएंगे ताकि पनीर जो है वो टूटे नहीं। बहुत ही शानदार आपकी शाही पनीर की सब्ज़ी बनेगी, एक बार ही इस तरह से ट्राई ज़रूर करें दोस्तों। प्यूरी वाले बर्तन में मैंने 1/2 कप पानी डाला है, और 1 कप मैंने यहाँ पर दूध का भी यूज़ किया है थोड़ा और इसे रिच बनाने के लिए। तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप दूध ही डालें इसमें। 1 कप मैंने दूध भी डाला है, 1/2 कप मैंने प्यूरी वाला पानी डाला है, कुल 1.5 कप मैंने इसमें पानी का लिक्विड का डाला हुआ है, दूध और पानी मिला करके दोस्तों। तो एक उबाल आ चुका है, बस 3 से 4 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे कवर करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, क्योंकि काफ़ी प्यूरी की बुनाई हम कर चुके हैं। तो रेडी हो गई है हमारी शाही पनीर की सब्ज़ी दोस्तों। थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डालेंगे। मेरी पनीर की कुछ और सब्ज़ियाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का मसाला, पनीर लबाबदार की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चलिए हम सर्व कर लेते हैं शाही पनीर को। तो इसे आप रोटी, चपाती, नॉन के साथ ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगेगी। बहुत ही रिच हमारी सब्ज़ी बनी है, इसका कलर भी लाजवाब है, और खाने में स्वाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा है दोस्तों। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और सुनीतास किचन को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।